उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सो गाइस, यदि आपको यह प्रॉब्लम जो है स्नैपचैट में देखने को मिल रहा है, सो आज के इस वीडियो में आपको यही प्रॉब्लम जो है फिक्स करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको बता दूँ जो है यह 10 मिनट का वीडियो जो है आपकी पूरी का पूरा जो है प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बताया जाता है इंटरनेट ऑन कर लीजिए, उसके बाद जो है आपका स्नैप चैट का जो है समथिंग वेंट रॉन्ग वाला प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली करने चलते हैं तो प्रॉब्लम जो है फिक्स नहीं होता है। और उसके बाद जो है यूट्यूब पर यह भी बताया जाता है कि जो है आप क्लियर कैश कर देंगे जो है स्नैपचैट का, तो भी जो है आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। जो कि हम लोग जब अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को क्लियर कैश करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ जो है आपको यूट्यूब पर जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बता दूँ आज के इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये हमने खुद प्रैक्टिकली अलग अलग मोबाइल पर किया है। अलग अलग मोबाइल पर कहने का मतलब ये है कि जो है यदि आपका वीवो का मोबाइल है तो वहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग करने की ज़रूरत होगी। यदि ओप्पो का है तो आपको अलग सेटिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपका रियलमी का है तो आपको अलग सेटिंग बताऊंगा। और यदि आपका सैमसंग का है तो आपको अलग सेटिंग बताऊंगा। यहाँ पे जितने चार सेटिंग आपको बताने वाला हूँ और सब कुछ जो है आपके हेल्पफुल होने वाला है, आपका प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से फिक्स होने वाला है। सो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके यह बनाया, खुद प्रैक्टिकली सब कुछ किया, उसके बाद यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने होम स्क्रीन पर हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ। यह सेटिंग उन लोगों को करना है जो लोग वीवो का स्मार्टफोन चलाते हैं, वीवो कंपनी का मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए यह सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो है सबसे पहले हम स्नैपचैट एप्लीकेशन को जो है ओपन करते हैं। हमने इंटरनेट बंद कर दिया, अब स्नैपचैट एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो हमारे हैं जो कि आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम फिक्स कर रखा है। यहाँ पे मेरा हर एक जो है प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक वीडियो मेरा है जो कि अभी उसका प्रॉब्लम जो है फिक्स नहीं हुआ, वही एरर बार बार देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने जो है मैं यह प्रॉब्लम जो है फिक्स करने वाला हूँ। यदि आपका वीवो का फ़ोन है तो आप इस तरह से प्रॉब्लम फिक्स कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो है आपको अपना इंटरनेट ऑन करना है। यदि आपका वीवो का फ़ोन है तभी आपको यह ट्राई करना है। सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑन करना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दूसरा वीडियो मेरा चल रहा है, लेकिन उसके बाजू वाला वीडियो मेरा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनेट ऑन करना है, उसके बाद यह प्रॉब्लम जो है आपका पूरी तरह फिक्स हो जाएगी। यदि आप वीवो का फ़ोन चलाते हैं तो देखिए बार बार वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं सिंपली जो है अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ, उसके बाद आपके ही सामने देखिए मैंने इंटरनेट ऑन किया। अब वही वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो है मेरा वह वीडियो जो है थोड़ा सा लोड लेगा, और जैसे ही लोड लेगा उसके बाद प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसके ऊपर फिर से क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वीडियो चलने लगा है। तो यदि आपका वीवो का फ़ोन है तो आप इंटरनेट ऑन कीजिए, थोड़ी देर लेट होगा मतलब लोडिंग लेगा, उसके बाद प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं यदि आपका जो है ओप्पो का स्मार्टफोन है या फिर सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आपको कौन सा सेटिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ सिंपली आपको जो है अपने सेटिंग में जाना है। जी हाँ, मैं यहाँ पे इंटरनेट बंद कर देता हूँ, उसके बाद सेटिंग के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन सेटिंग जो है फाइंड आउट करना है। आपको अपने मोबाइल में ओप्पो का यदि आपका फ़ोन हो या फिर सैमसंग का फ़ोन हो, आपको जो है अपने मोबाइल में एप्लीकेशन एंड परमिशन सेटिंग को फाइंड आउट करना है। ऐप मैनेजर के अंदर आपको जाना है, जहाँ पे आपको सारा का सारा जो है एप्लीकेशन देखने को मिलता है उस सेटिंग के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे केस में जो है अभी एप्लीकेशन लोडिंग ले रहा है। अब हम स्नैपचैट एप्लीकेशन को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे आप यदि ओप्पो का फ़ोन चला रहे हैं या फिर जो है आप
सैमसंग का फ़ोन चला रहे हैं, कैसे आप स्नैपचैट का यह प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से फिक्स कर सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो यहां पे हम स्नैपचैट एप्लीकेशन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देख लेता हूं थोड़ा सा स्नैपचैट एप्लीकेशन किधर गया। स्नैपचैट एप्लीकेशन किधर गया बाबा। सो यहाँ पे मुझे मिल गया स्नैपचैट का एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले एक बात का यह ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे देखना है जो है इंटरनल स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपका ओप्पो का है या फिर सैमसंग का फ़ोन है तो यहाँ पे आपको क्लियर कैच करना है। जी हाँ, आपको यदि वीवो का फ़ोन है आपका तो आपको पहला वाला मेथड ट्राई करना है, यदि आपका ओप्पो का और सैमसंग का है तो आपको दूसरा यह मेथड जो है ट्राई करना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स होगा। चलिए अब हम चलते हैं जो है अपने अगले ट्रिक की तरफ, जो कि तीसरा ट्रिक है। यदि आपका जो है यमआई का है, रेडमी का है या फिर रियलमी का स्मार्टफोन है तो आप कैसे अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट आपका कनेक्शन यहाँ से सेटिंग से ऑन करना चाहिए और परमिशन आपको देख लेना चाहिए। स्नैपचैट में जो परमिशन दिया जाता है वो भी आपको जो है यहाँ पर देख लेना है कि आपने कौन कौन सा परमिशन दिया है। यहाँ पे परमिशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लोकेशन का है। यदि आप लोकेशन के परमिशन सही से दिए रहेंगे तो प्रॉब्लम जो है आपका पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको फिर से रिपीट कर दूँ, यमआई का है, रियलमी का फ़ोन है तो आप इस तरह के जो है सेटिंग कीजिए। आपको क्या करना है, स्नैपचैट का जो है परमिशन आपको देना है। और यहाँ पर आपको अब बता दूँ, जो है बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि जो है हम कैसे इस एप्लीकेशन को रन करें। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन होंगे जहां पे आपको पता ही नहीं होगा कि जो है आप कैसे प्रॉब्लम को फिक्स करें। तो यहां पे आपको बता दूं, जो है देखिए आपके ही सामने जो है मैं अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में हूं। यहां पे आप देख सकते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन में हूँ और यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जिस भी फ़ोटो के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सारा का सारा जो है मेरा उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन यही लिख के आ रहा है। बाकी जो है यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी चीज़ के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मुझको प्लीज़ ट्राई अगेन वाला वही बार बार जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि आप इसको पूरी तरह से फिक्स करना चाहते हैं, और हमने कैसे फिक्स किया क्योंकि हमारा स्मार्टफोन जो है वीवो का है। जी हाँ, मेरा स्मार्टफोन जो है वो वीवो कंपनी का है। तो उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली जैसे मैं अपने इंटरनेट को ऑन करता हूँ उसके बाद यह प्रॉब्लम जो है मेरा पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंटरनेट को ऑन किया और उसके बाद जो है यह प्रॉब्लम मेरा जो है पूरी तरह से बोले तो पूरी तरह से जो है फिक्स हो गया। सारा का सारा फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोड हो रहा है और यहाँ पर देखिए डाउनलोड हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है डाउनलोड हो गया। तो आप कुछ इस तरह से जो है कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को फिक्स। यदि आपको कुछ भी सवाल हो या कुछ भी आपके क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्म करना था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने जो है पूरा कम्प्लीटली पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए। यदि आपका स्मार्टफोन जो है किसी भी कंपनी का कैसा भी हो, आप कैसे आप प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हैं, हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। वैसे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, सो नाइटेक से जुड़ने के लिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।